शिंजो ऐसे मत देखो, तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए भी बनाऊंगी। अब सच कह रही है मम्मी? और शिशुमानो तुम्हारे लिए ढेर सारे चॉकलेट रोल्स। हमारी मम्मी दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मी है। सुबह सुबह यहाँ क्या चल रहा है? अरे पापा, आज केनिची फील्ड ट्रिप पर जा रहा है। लेकिन वो है कहाँ? हथौड़ी उसे जगाने के लिए गया है। अच्छा, वही पुरानी कहानी। केनिची उठो, केनिची उठो, थोड़ी देर और सोने दो ना। देखो घड़ी में अलार्म भी बज रहा है, उठ जाओ। हाँ? चुप रहो। जरूर तुमने ये अलार्म बजने का समय बदल दिया होगा, जाओ और मुझे सोने दो। डिंग डिंग। केनिची दिन ब दिन आलसी होता जा रहा है, न जाने सुबह उठने में इसे इतनी परेशानी क्यों होती है। आप क्या करेगा हथौड़ी? लंच बॉक्स, लंच बॉक्स, आज बड़ा मजा आएगा। ये मेरे लिए है मम्मी। लेकिन केनिची अभी तक नहीं आया। परेशान मत होना, मैंने घड़ी में अलार्म सेट कर दिया था। केनिची तो बस फील्ड ट्रिप की तैयारी कर रहा होगा। ठीक है, तो मैं भी ऑफिस जाने की तैयारी करता हूँ। यही क्या? मुझे थोड़ी देर पहले नहीं उठा सकते थे क्या? फील्ड ट्रिप के लिए टाइम पर पहुंचना बहुत जरूरी था। हम पर चिल्लाना बंद करो, मैंने हथौड़ी को तुम्हें जगाने के लिए भेजा था लेकिन तुमने उसे वहाँ से भगा दिया। मुझे वो सब नहीं पता। अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, अगर मैं और रुका तो ट्रेन छूट जाएगी। ओके बाय। क्या होगा इसका? मुझे इसे उठाने की थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए थी। एक तो ये लड़का खुद समय पर नहीं उठता और फिर दूसरों पर बेकार में चिल्लाता है। मम्मी, केनिची अपने लंच बॉक्स और वाटर बॉटल यहीं भूल गया। डिनिंग, अब वो क्या खाएगा? अब हम क्या करें हथौड़ी? उसका खाना मैं लेकर जाऊंगा मम्मी। हा? नहीं हथौड़ी, तुम रहने दो, मैं स्टेशन जा रहा हूँ, खाना मैं ले जाऊंगा। क्या तुम इस पर शर्त लगाओगे? क्या मतलब? मतलब पापा सच में केनिची को लंच बॉक्स दे पाएंगे? और जीतने वाले को क्या मिलेगा? अपने साथी का लाजवाब लंच बॉक्स। ये क्या है, तो पापा लंच बॉक्स नहीं दे पाएंगे? क्या? ये तो मुझे कहना है। नहीं, अब मैंने तुमसे पहले कह दिया। ये तो गलत बात है। अच्छा तो मैं चलता हूँ, प्लीज समय पर पहुँच जाना। पापा जल्दी करो, आपका समय पे पहुँचना बहुत जरूरी है। पापा बहुत फास्ट मत दौड़ना वरना आपकी सांस फूल जाएगी। शिंजो तुम अपनी टांग बीच में मत अड़ाया करो। प्याला लड़ाई में सब चलता है, तो शर्त कौन जीता? क्या हुआ शिशिमानो, ऐसे क्यों घूम रहे हो? अब किसका फोन होगा? हेलो, हाँ केनिची के पापा, क्या आपके पहुंचने के पहले ही ट्रेन निकल चुकी थी? मतलब आप केनिची को लंच बॉक्स नहीं दे पाए? ओ, मैं कुछ करता हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। पहले मैं लेती हूँ। हथौड़ी रुको, मैं आ रहा हूँ। कबड्डी 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 कबड्डी। चलो देखते हैं आज कौन शिकार बनता है। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। डिंग 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 डिंग। चलो रुको। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसीलिए डियर हथौड़ी से कहो कि वो यहाँ आ जाए। मैं जानता हूँ इस समय वो तुम्हारी किचन में मदद कर रहा होगा, लेकिन फिर भी उसको। हाँ, अरे मम्मी तुम तो कह रही थी कि वो किचन में तुम्हारी मदद कर रहा है। रुको, ये दोनों कितनी देर तक मेरा ऐसे ही पीछा करते रहेंगे? अरे भाई अचानक भूकंप कहाँ से आया? सॉरी सर जी। डिंग डिंग डिंग। हाले भाले भाई। अब हथौड़ी सच में तुम्हारा बड़ा भाई लग रहा है। अरे हमका बचाओ भाई। अरे कोई है भाई? ए भाई रोना मत शिंजो, वरना ये ब्रिज और पेंटर दोनों ही गिर जाएंगे। डिंग डिंग। अरे पर सुनने वाला है भाई। अरे पेंटर बाबू मुझे माफ करना। शिशिमानो मुझे भागना होगा, इसलिए यहाँ का मामला तुम संभालो, ठीक है? मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ थोड़ी, ये सीढ़ी तो उठा लो। अब और क्या क्या होगा? अरे ये क्या कह रही हो सच में? माफ करना गर्ल्स। उन्हें लगता है मैं एलियन हूँ, मुझे ये रंग जल्दी से साफ करना होगा। एक आइडिया है, हाथ पैर जाम करने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग डिंग। शुक्र है, अब मैं पहले जैसा हो जाऊंगा। थोड़ा मेरे पैरों को भी साफ कर दो। डिंग 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 डिंग। हाथ पैर जाम करने की निंजा टेक्निक ओवर। डिंग 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 डिंग। हवा में उड़ने की निंजा टेक्निक। ये ट्रेन दिखाई क्यों नहीं दे रही? लगता है काफी दूर निकल गई है। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो दोस्त। पक्षियों की भाषा बोलने की निंजा टेक्निक। तुमने आगे कोई ट्रेन जाते हुए देखी? मतलब ज्यादा दूर नहीं गई। ओ शुक्रिया मेरे दोस्त। बाय बाय मेरे दोस्त। डिंग 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 डिंग। वो रही, शायद केनिची इसी ट्रेन में बैठा होगा। अरे वो रहे, आखिर मैंने उसे ढूंढ ही लिया। डिंग डिंग।
अच्छा तो आज तुमने भी अपनी मम्मी की खाना बनाने में मदद की यूमी को? हाँ बिल्कुल, अब मैं बड़ी जो हो गई हूँ। ये चिपकू हमारा हमेशा यूमी को के साथ चिपका रहता है और मेरी किस्मत में आई है ये पार्टनर। केनी जी तुम तो अपनी मम्मी की मदद करते नहीं तो तुम्हें तो पता ही नहीं होगा लंच बॉक्स में क्या रखा है। मैंने मम्मी को अपना फेवरेट खाना बनाने के लिए पहले ही कह दिया था। अरे वाह, फिर तो मैं तुम्हारा लंच बॉक्स जरूर देखना चाहूंगी। जरूर टेस्टी होगा यूमिको। हाँ हाँ क्यों नहीं यूमिको। डिंग, लगता है केनिची बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। डिंग डिंग डिंग। क्यों ना हम मेरा लंच बॉक्स स्टेशन पहुंचने पर ही देखें, तब तक तुम अंदाजा लगाती रहो। केनिची तुम एक अच्छे बच्चे हो कि नहीं? अच्छे बच्चे मन के सच्चे होते हैं। लाओ मुझे दो टिफिन, मैं खोलता हूँ। नहीं हट जा, हटो। हमारा बहुत चालाक निंजा है। मेरी बात समझ में क्या समझ नहीं आ रहा है, सब समझता हूँ मैं। डिनिंग अब और कोई रास्ता नहीं है, हाथ और पैर जाम करने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग, जल्दी से इसका टिफिन बदल देता हूँ। ये गया इसका लंच बॉक्स इसके बैग में। अब मेरा काम हो गया, मुझे केनिची के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है। हाथ और पैर जाम करने की टेक्निक ओवर। रहने दो ना, हमारा अगर ये नहीं दिखाना चाहता तो क्यों जिद कर रहे हो, जाने दो। तुम कहती हो तो छोड़ दिया। थैंक यू यूमिको। मैं चाहता तो था कि केनिची को बता दूं कि उसका लंच बॉक्स बैग में रखा है, लेकिन मैं ये भी चाहता था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो। डिंग डिंग। पैनकेक्स के रीटेक पे रीटेक। डिंग डिंग। हाँ तो हो जाए, एक दो। वाओ ये तो एक्सपर्ट है। ये गया एक दो। ऐसे स्नैक बनाना भी एक आर्ट है। कितना मस्त है। हाँ और इसे देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। सुनिए मुझे ये वाला दीजिए। अच्छा अभी देता हूँ। कितना हुआ इसका? कुल मिला के 420 रुपए। ये लीजिए आपके पैसे। फिर जरूर आना, भूलना मत। हाँ चलो चलते हैं। मेरे पेट में कौवा कर रहा है, काओ काओ। तो ये खाओगे? मम्मी वो दुकान वाला बहुत ही बढ़िया पैनकेक्स बनाता है। हाँ बहुत टेस्टी है। वो अंकल बहुत सालों से मिठाई बनाते हैं। मुझे भी ऐसे पैनकेक्स बनाने हैं। मैं भी बनाऊंगा। और मैं भी। शायद हमारे पास वो सारा सामान है जिससे ये पैनकेक्स बन सकता है। मैं जरा देखती हूँ। ओ हाँ मैं भी इसे बनाने का पैन ढूंढता हूँ किचन में। हाँ। हम आज ही बनाएंगे। मैं जरा आटा लेती हूँ। और हाँ रेड जेली बीन्स पेस्ट मैंने कहाँ रखा था? ओ हाँ मिल गया। ये देखो। अरे वाह, अब हम भी टेस्टी पैनकेक्स बनाएंगे। सबसे पहले गेहूं का आटा लेते हैं। ये देखो मुझे पैन मिल गया। तो चलो शुरू करते हैं। अब ये बैटर तैयार हो गया। अब मैं ये गैस स्टोव यहाँ पर लाता हूँ, ठीक है? ठीक है। लो मैं आ गया गैस लेकर। अब लो सब कुछ तैयार है। तो देर किस बात की? एक मिनट केनिची, मैं तुम्हें बताता हूँ पैनकेक कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा। जल्दबाजी मत करो केनिची, पहले पापा को ठीक से बनाने दो। ठीक है पर क्या पापा बना पाएंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं केनिची, पहले इस मिश्रण को ऐसे डालो। देखा तुमने? ये तो आपने ज्यादा डाल दिया। नहीं ये सही है। ये तो मछली जैसा बन गया। ये तो चॉकलेट रोल जैसा नहीं दिखता। काश ये अच्छा बने। बन जाएगा केनिची, रिलैक्स। नहीं रुक सकता। लगता है बन गया है। नहीं नहीं थोड़ी देर और रुकिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये हो गया है। मैंने कहा था रुकने के लिए, इसलिए मैंने कहा था मैं पहले बनाता हूँ। नहीं नहीं धीरज रखो, अब की बार मैं ठीक से बनाऊंगा, तुम देखना। केनिची इसे तुम बनाओ। हाँ केनिची को बनाना चाहिए। इस बार ये बिल्कुल सही बनेगा। सच में? पापा मुझे लगता है ये बन गया है, निकालो इसे। हाँ ये हो गया। नहीं 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 जल्दबाजी मत करो, पिछली बार मैंने जल्दबाजी की थी तब सब बिगड़ गया था। मुझे तो जलने की बू आ रही है पापा। क्या कहा? हथौड़ी तुम्हारी नाक तो काफी तेज है। ऐसी बात नहीं है पापा, ये जल गया होगा, धुआं आ रहा है, धुआं देखिए। ओ नहीं ये क्या हो गया? ये तो पूरी तरह जल चुका है। इससे पहले पैन से निकलना चाहिए था, इसलिए मैंने कहा था मुझे बनाने दीजिए। सॉरी केनिची बेटा। हाँ मैं ट्राई करता हूँ। पापा ने तो पूरा पैनकेक जला दिया। मैं बनाऊंगा पैनकेक विद नो रीटेक। क्या बात है केनिची? ला जवाब। अब जेली बीन पेस्ट और हम करेंगे टेस्ट। तुमने सही बनाया, देखना ये बहुत टेस्टी बनेगा। ओ हाँ हाँ जरूर होगा।
केनिची बहुत खुश नजर आ रहा है। मैं उसका आत्मविश्वास खोने नहीं दूंगा। मैं उसे खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये कब बनेगा? बस थोड़ी देर और। डिंग 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 डिंग। आइए साहब, मुझे एक पैनकेक देना। ले लीजिए साहब, और फिर जरूर आना। हाँ, भूलना मत। डिंग 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 डिंग। मैंने किसी एलियन को देखा। हाँ, कहाँ? वहाँ बाहर। पर हथौड़ी, हमें तो कोई यूएफओ नहीं दिखा। ऐसा क्या केनिची? पर मुझे तो लगा कि मैंने कुछ देखा, शायद कुछ नहीं था। क्या लो, ये हो गया। वाह, क्या बढ़िया है। शाबाश केनिची। क्या बात है केनिची बेटा। मम्मी, ये यमी है ना? वाह, मुझे दो ना। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। डिंग डिंग। आइडिया, मैं युमी को कोई यहाँ बुलाता हूँ और उसे भी पैनकेक बना के खिलाता हूँ। तुम भी ना केनिची। मैं उसे बुलाऊं? हाँ हाँ, बुला लो बेटा। मैं और पापा कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, शाम को लौटेंगे। चलिए हम चलते हैं। बाय बाय। अब मैं जल्दी से युमिको को बुलाता हूँ। तब तक मैं अपने कमरे में जाकर निंजा किताब पढ़ता हूँ। चलो पैनकेक बनाते हैं। और मैं भी। कभी। ये तुमने क्या किया? अब थोड़ा ही बैटल बचा है। जब तक केनिची आता है तब तक नया बैटल तैयार कर लेंगे। चलो कभी कभी जल्दी करो, ये तो खाली है। रुको, मैं कुछ करता हूँ। शिंजो, ये देखो आटा है, जल्दी इसमें डाल दो। ये लो, डाल दिया। अब थोड़ा पानी डालो। ये लो, जल्दी कर लो। आओ युमिको। अरे केनिची आ गया। मुझे यकीन नहीं होता केनिची, तुमने ये पैनकेक बनाया। अच्छा ठीक है, बस रिलैक्स हो जाओ और मुझे देखो। ओके। अब देखना युमिको मैं क्या करता हूँ। ये बेक हो रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं पैनकेक बना रहा हूँ। एक भट्टे की आवाज है। लगता है दिवाली है। ओए माँ, ये पैनकेक है या तवा केक? देखो कैसे फूल गया है। ये तो पुली की तरह फूल गया है। हाँ, युमिको ने बिल्कुल सही कहा था। तुम सब मेरे ऐसे मजाक मत उड़ाओ। नहीं, पैनकेक अच्छा बना है, हम तो तारीफ कर रहे हैं। डिंग डिंग, तुमने अच्छा बनाया, ये बहुत टेस्टी होगा केनिची। हाँ, एकदम पक्का। सच में थैंक यू दोस्तों। अच्छा हुआ केनिची का आत्मविश्वास टूटा नहीं, हमेशा कोशिश करनी चाहिए। तो इससे आगे वाले वीडियो मैंने अपने कंप्यूटर के बारे में आप लोगों से यहाँ पे पूछा था कि मेरे कंप्यूटर में ये मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब वीडियो ओपन करने में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, और साइड में एक मतलब विंडो के बारे में कुछ एक्टिव करने का यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब कुछ तकलीफ बिगड़ने का यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैंने आप लोगों से यहाँ पे पूछा था, तो आप लोगों ने मतलब जो तरीका मुझे बताया था, ओके, जो तरीका यहाँ पे बताया था उससे मतलब विंडो का जो यहाँ पे साइड में शो कर रहा था ना, वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन वीडियो ओपन करने का वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ है। ओके, तो आप लोगों ने जो बताया था उससे भी यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ है। ओके, तो मैं आप सभी को क्या करता हूँ, मेरे फ़ोन को यहाँ पे मतलब बैक कैमरा यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि मतलब ठीक हो गया है, और वीडियो ओपन का यहाँ पे ठीक नहीं हो रहा है। ओके, तो मैं आप सभी को दिखाता हूँ। ओके, इस वीडियो को मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ यहाँ से। सो गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही मेरा कंप्यूटर है। ओके, ये मेरा कंप्यूटर है, और पहले क्या होता था, यहाँ पे साइड में यहाँ पे शो करता था कि विंडो एक्टिव करके। ओके, तो अभी आप लोगों के मतलब जो तरीका आप लोगों ने मुझे बताया था उससे यहाँ पे तो हट चुका है, यहाँ पे अभी फिलहाल शो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वीडियो ओपन का जो है ना, यहाँ पे वीडियोस का मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, तो रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे। चलिए, रिफ्रेश करने से क्या होगा, यहाँ पे रुकेगा नहीं। और देखिए, यहाँ पे वीडियो ओपन का जो था, मैं वीडियो ओपन किया, और देखिए यहाँ पे ऐसा शो कर रहा हो कि मतलब ओपन ही नहीं हो रहा है वीडियो। तो इसका मतलब सिर्फ ये प्रॉब्लम अगर आप मुझे मतलब बता सकते हैं कि इसे मतलब कैसे सॉल्व करना है, तो बहुत अच्छा होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब इसके लिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, यहाँ पे वीडियोस ओपन ही नहीं हो रहा है। मेरा फ़ोन का यहाँ पे स्टोरेज फुल होने वाला है, और सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे पूरा मतलब मोबाइल के सारे वीडियोस को कंप्यूटर में भेज दूँ, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब वीडियोस ही प्ले नहीं हो रहा है। और इसको मतलब मेरे कंप्यूटर के सब चीज़ को मैं अगर मेरे मोबाइल के सब चीज़ को सब वीडियोस को अगर इसमें भेज देता हूँ और बाद में कॉपी करके फिर मैं अपने फ़ोन में भेजता हूँ ना, तो मेरे फ़ोन में भी यहाँ पे ना नहीं चलता है। ओके, तो मतलब ऐसा नहीं कि मैं अगर मेरे सभी फ़ोन के वीडियोस को यहाँ पे कॉपी करके रख दूँ और चले चाहे नहीं चले, और फिर बाद में मैं अपने फ़ोन में यहाँ पे कॉपी करूँ तो मेरे फ़ोन में यहाँ पे वर्क करेगा, तो ऐसा भी नहीं हो रहा है।
उसमें डालने के बाद फिर मैं अगर मैं अपने फ़ोन में डालता हूँ तो मेरे फ़ोन में भी नहीं चलता है। ओके, तो ये तकलीफ अगर आप मतलब ये प्रॉब्लम अगर आप लोग मुझे आप लोग को अगर किसी को भी यहाँ पे मालूम है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। ओके, फिर सर्च बार का भी ऑप्शन है यहाँ पे, इसके बारे में तो सभी को मालूम ही होगा। ओके, ये हम लोग का पीसी है, इसमें डोरेमोन का स्टिकर बिगड़ा भी हम लोग ने यहाँ पे साट रखा है। ओके, तो यही सब है। और गाइस ये है हम लोग का वाईफाई, यहाँ पे वाईफाई बिगड़ा यहाँ पे लगा हुआ है। और ये हम लोग का कंप्यूटर, ये कीबोर्ड देख सकते हैं, ये कीबोर्ड एचपी का, ये कीबोर्ड है। ओके, एचपी का कीबोर्ड है यहाँ पे। और ये मॉनिटर है, और पीछे का आप दीवार का हालत यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब पूरा फूटा उठा है, मतलब पूरा झड़ गया है सीमेंट उमेंट सब। ओके, उतना अच्छा हालत नहीं है इसका। ओके, सो गाइस, तो इस प्रॉब्लम का अगर किसी को सॉल्यूशन मालूम है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, जिससे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। ओके, क्योंकि यहाँ पे मतलब मेरे मोबाइल का अगर स्टोरेज फुल हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे बना रखा है, तो सभी को मैं यहाँ पे डिलीट नहीं करता हूँ, मैं अपने फ़ोन में यहाँ पे सेव रखता हूँ, क्योंकि कभी भी यहाँ पे काम में आ सकता है। ओके, तो मैं अपने वीडियोज़ को यहाँ पे मोबाइल में सेव रखता हूँ। तो अभी करीब यहाँ पे ना 37 GB यहाँ पे ना पूरा वीडियोज़ का यहाँ पे हो गया, और मतलब 37 GB यहाँ पे एक मतलब पावर डायरेक्टर में यहाँ पे यूज़ करता हूँ वीडियो एडिटिंग में, तो उसमें यहाँ पे मतलब उसका एक्सपोर्ट वाले इसमें 37 GB का हो गया। और काइन मास्टर और बाकी सब में यहाँ पे सबका मिला के अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो 45 का यहाँ पे ना मतलब ये हो गया, 45 GB यहाँ पे ना पूरा स्टोर हो गया मोबाइल का। ओके, तो किसी को भी अगर मालूम है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो आप लोग मुझे ज़रूर से बताइएगा। ओके, तो सो गाइस, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ इसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, क्योंकि इतने मेहनत से आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो कम से कम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। ओके, गुड बाय।